हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कल थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ गया था वीडियो के एंड में, और जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई जब मैंने उसे दोबारा सुना। तो सॉरी फॉर दैट एंड वेलकम बैक टू एल टी फैमिली। हम लोग आज मैं थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ, ताकि अगर आपको कल उसको समझने में दिक्कत हुई हो या आपको थोड़ा सा अनलाइन लगा हो, तो आप फिर से इसको देख के उन चीज़ों को समझ सकें। मैं उतना ही अच्छे से डिटेल कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्विक रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके, और प्लेलिस्ट पे जाके चैनल का जो आइकन बना होगा जिस पे लिखा होगा लेट्स टॉक इंग्लिश, उस पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करके प्लेलिस्ट होगा ग्रामर का, उस पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने सी पार्ट तक पढ़ा था, डी पार्ट से थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था। डी पार्ट क्या है? फॉर टेलिंग द पर्पज़ और कॉज। हम लोग इन्फिनिटी का यूज़, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, उसका यूज़ कोई पर्पज़ टेलिंग के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग बिकॉज का या सो दैट का या ऐसे सो एज ऐसी चीज़ें, जहाँ पे हम लोग कोई कंजंक्शन का यूज़ करते हैं पर्पज़ बताने के लिए, उसकी जगह पे हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय बुक्स। अब इसको अगर आप देखोगे, ये दो सेंटेंस से मिला के बना है। ही सोल्ड हिज वॉच सो ही कैन बाय बुक्स। सो ही कैन बाय बुक्स की जगह हमने क्या कर दिया? टू बाय बुक्स। इस तरह से हमने सो ही कैन का स्पेस बचा लिया और दो वर्ड्स में उसको फिनिश कर दिया। एक है ही स्टार्टेड वीपिंग टू सी हिज सन डेड। तो इसमें दो सेंटेंस है, ही स्टार्टेड वीपिंग, वाई? बिकॉज ही सॉ हिज सन डेड। तो सॉ होना चाहिए, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देखो आप, तो टू सॉ भी यहाँ पे एग्जाम में लिख के कर सकता है। जैसे ही स्टार्टेड वीपिंग टू सॉ हिज सन डैड। तो अब ध्यान रखना कि कभी भी टू के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सी ही रहेगा, सॉ यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड। इनके बाद में ऑब्जेक्ट टू और वर्ब की वह फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ना, टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब इसमें और आने वाले दो टॉपिक और हैं, सी और डी पार्ट है इसका, उसमें भी हम देखेंगे कि इन सब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट हटा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और आगे कुछ जो सी पार्ट और डी पार्ट है उसमें ऑब्जेक्ट सी में तो लिया जाता है, नहीं भी लिया जाता है, और डी में ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं जाता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट दे के एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, वो हम तुरंत अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, ही एडवाइस, एडवाइस यूज़ हुआ है। ही एडवाइज मी, मी यानी ऑब्जेक्ट, टू डू इट एट वंस। उसने मुझे क्या एडवाइस किया कि अभी ये काम करो। तो टू और डू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो एडवाइज मी टू डू इट एट वंस। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लाना ज़रूरी है इन सब के बाद में, एडवाइज, अलाउ, कमांड। आपको बस ये याद रखना है, बी और सी, सी और डी जो पार्ट है इसका, उसको आप छोड़ भी दोगे, सिर्फ ये याद रखोगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आता है, उसमें ऑब्जेक्ट आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी में ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ही एडवाइज टू डू इट एट वंस, मी हट जाएगा यहाँ पे तो इशू आ जाएगा, एग्ज़ाम में हटा के दे देगा। शी कंपेल्ड यू टू लीव दिस प्लेस। उसने तुम्हें क्या क्या कंपेल किया, ज़बरदस्ती की ये जगह छोड़ने की, तो कंपेल्ड यू, यहाँ पे यू हटा के दे देगा, शी कंपेल्ड टू लीव द प्लेस। सुनने में सही लगेगा लेकिन ये गलत हो जाएगा, कंपेल के बाद में भी। तो ये थोड़ा सा है, आस्क, एडवाइस, कमांड, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कंपेल, बैग, ऑर्डर, ये आपसे कहीं ना कहीं देखोगे ना तो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कमांड करना, फोर्स करना, फॉरबिड आर्मी में करते हैं सपोज़, कोई फंक्शन इनवाइट करना, इनकरेज करना, कंपेल करना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना, परमिट करना, परसुएड करना। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करना। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हट जाता है इन्हीं वर्ड में जब पैसिव वॉइस हो। जैसे हम लोग लें परमिटेड, यहाँ पे एक वर्ड है ना परमिट, तो शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम।
अब यहाँ पे परमिट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो ये सही है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि विद हिम ये क्या हो गया, ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। लाइक वॉन्ट विश प्रॉमिस, इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और लाइटली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, यानी ये विद और विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। जैसे आई वॉन्ट एवरी वन टू लिसन टू दिस नोटिस, मैं चाहता था कि हर कोई इस नोटिस को सुने। अब यहाँ पे आप देखोगे आई वॉन्ट एवरी वन, एवरी वन है, एवरी वन के बाद में क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एवरी वन यहाँ ऑब्जेक्ट है और वॉन्ट हमारा वर्ब है, मेन वर्ब, तो यहाँ पे तो यूज़ हो गया। लेकिन सेकंड में आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पे वॉन्ट के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो दोनों ही सही हैं इसमें। सिर्फ ये तीन है, वॉन्ट विश यानी डिज़ायर के लिए, डिज़ायर के लिए हम लोग कह सकते हैं, डिज़ायर क्या होती है, वॉन्ट विश लाइक और एक और है बस प्रॉमिस, इनके बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये इजी है याद रखना। उसके बाद डी है डायरेक्ट इन्फिनिटिव, जहाँ पे हम लोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता है, जैसे अपीयर, सीम, अटेम्प्ट, ट्राई, एंडेवर, बिगिन, डिसाइड, तो ये इतना अगर आप नहीं भी याद रख सकते तो वो दो याद रख लीजिए, बहुत है। दे रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर यू, दे रिफ्यूज़ टू वर्क फॉर यू, उन्होंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए क्या मना कर दिया, मना कर दिया, तो रिफ्यूज़ के बाद में सीधा ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिफ्यूज़ हमारा मेन वर्ब है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या होता है, हिज, हिम, मी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इसका जिसके जो वर्ब के बाद उसका इफेक्ट देता रहे। ही फेल टू पास द एग्जामिनेशन, वो इस एग्जाम को पास करने में क्या हो गया, फेल हो गया, तो फेल के बाद डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम में आप देखना कि जहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे कई बार दैट और दैट के साथ में कुछ क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब, वो दे के आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता है, जैसे ही फॉरगॉट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, वो भूल गया था कि उसे एक पेन लाना था या उसे पेन लाना चाहिए था, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉरगॉट का यूज़ हुआ है, लेकिन उसके बाद दैट ही शुड का यूज़ कर लिया है, तो फॉरगॉट के बाद में हमने यहाँ देखा फॉरगॉट ये रहा, इसके बाद क्या यूज़ होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है इसको कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी फॉरगॉट, तो ही फॉरगॉट टू ब्रिंग, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा ही गलत है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि दैट प्लस क्लॉज, दैट प्लस ए शुड, ए शुड मतलब क्लॉज, क्लॉज मतलब ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। उसके बाद आप रिमेंबर, फॉरगॉट, फॉरगेट, लाइक, स्टॉप एट्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि दोनों इन्फिनिटी और जेरेंड में अलग अलग मीनिंग देते हैं। अब जेरेंड क्या होता है, इन्फिनिटी तो हमने समझ लिया, ही वी वन होता है टू प्लस वी वन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ये जेरेंड क्या होता है, जेरेंड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, वर्ब प्लस आई एन जी, कोई भी वर्ब है उसके साथ में आई एन जी लग गया, सपोज वर्क, वर्क है एक वर्ब है काम करना, उसके साथ मैंने आई एन जी लगा दिया तो क्या हो गया, वर्किंग, तो वर्किंग क्या बन जाएगा, जेरेंड। ऐसे कोई भी आप वर्ब लीजिए, टीच, टीचिंग, एजुकेट, एजुकेटिंग, स्लीप, स्लीपिंग, तो जिसमें भी आई एन जी लग जाता है वो क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाता है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, सुनने में दोनों सेम लगते हैं, देखने में पढ़ने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों के अंतर जो इसका मीनिंग है उसमें बहुत अंतर है। या रिमेंबर के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे रिमेंबर के बाद में पोस्टिंग यानी जेरंड का यूज़ हुआ है, तो आप देखो कि इस जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मतलब है चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूँगा, जो चिट्ठी है उसे पोस्ट करना है और इसे मैं याद रखूँगा, और सेकेंड सेंटेंस का मतलब है कि मुझे याद रहेगा आपका चिट्ठी पोस्ट करना, चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूँगा, यूँ तो नहीं है, मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि
अगर आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो अगर मैं आपको कहूँ कि जाइए आप 3 बजे इसको पोस्ट कर दीजिए या 6 बजे तक इसको पोस्ट कर दीजिए, आपको मैंने सुबह कहा तो आपने मुझे क्या कहा, ठीक है आई विल रिमेम्बर टू पोस्टिंग द लेटर। लेकिन सपोज मुझे आपकी कोई कंप्लेन करनी है और आप नहीं चाहते कि मैं आपकी ये कंप्लेन करूँ, लेकिन मैंने वो कंप्लेन कर दी, मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि आई विल रिमेम्बर पोस्टिंग द लेटर, आपने मुझे आप मैंने मेरी जो लेटर शिकायत वाली भेजी है मुझे वो याद रहेगी। या आप ये कहोगे या फिर इसी एग्जाम्पल में कि मैंने आपको भेजा और आप मुझे मेरे पास आके बता दो कि हाँ मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, तो मैंने कहा कि आप इसको याद रखना, इसका रिप्लाई कब आता है और कब आपने भेजा, तो आपने मुझे ठीक है मैं ये चिट्ठी पोस्ट करना याद रखूँगा, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। यहाँ स्टॉप टू स्मोक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टॉप स्मोकिंग वर्ब प्लस ING। तो इसका मतलब होता है कि आप बाइक पे कहीं जा रहे हैं, सपोज कोई पर्सन बाइक पे जा रहा है, हाईवे पे है और साइड में एक शॉप दिखती है उसको जिसपे सिगरेट मिल रहा है, तो उसने बाइक को साइड में ले गया और वहाँ पे खड़े करके उसने क्या किया, चाय ये स्मोक किया, तो स्मोक करने के लिए क्या किया वो रुका, सो ही स्टॉप्ड टू स्मोक यानी स्मोक करने के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब है उसने स्मोकिंग करना, इसका मतलब नहीं कि अभी अभी वो पी रहा था और बंद कर दिया, बल्कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया इस सेंस में, तो ये इतना फ़र्क आ जाता है इन दोनों के। नेक्स्ट है आफ्टर, नो एज पर नीड, हाउ वेयर व्हेन व्हाई इन्फिनिटिव इज यूज्ड। जो नो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ नो नो जो वर्ड है इसके बाद में हम इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक यूज़ करते हैं और इन्फिनिटिव क्यों, अगर हमें कुछ चीज़ बतानी हो कि मुझे ये काम करना आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई नो दिस, मैं कहूँगा आई नो हाउ टू डू दिस। सपोज मुझे सिंगिंग आती है तो मैं कहूँगा आई नो हाउ टू सिंग, ना कि आई नो हाउ टू सिंग, सॉरी ना ना कि आई नो टू सिंग, ये कहना गलत होगा। उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आप देखो, आई नो हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, मुझे पता है कि एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। अब एग्जाम में क्या करेगा कि ये हाउ टू पार्ट हट जाएगा, आई नो राइट, आई नो टू राइट अ पैराग्राफ इस तरीके से। या एग्जाम्पल आप देखो सेकंड, दे नो दे वर सॉरी दे वर वाई वेन टू स्टार्ट, वो जानती है कि उन्हें कहाँ क्यों कब शुरू करना है, तो ये सब आ सकता है। प्रॉब्लम देख लेते हैं एग्जाम में पूछा हुआ, ही इन्फॉर्म मी दैट ही न्यू टू प्ले ऑन द हारमोनियम, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो जानते थे कि उन्हें कैसे हारमोनियम प्ले करना है, वो ये बात जानते थे, तो ही न्यू न्यू आ गया, बस न्यू के बाद में हाउ का यूज़ कर दो, ही न्यू हाउ टू प्ले हारमोनियम। कभी भी नो आता है उसके बाद हम बता रहे हैं अपने कोई स्किल के बारे में, तो हमेशा आपको हाउ का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ टू की, ओमिशन ऑफ टू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।